और कोई भी लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत पे नहीं उठाता है। अगर आप जो भी अमाउंट भारत पे में रखते हैं या फिर जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी भारत पे गारंटी नहीं लेता है कि हम उसे वापस करेंगे। दोस्तों मैंने आज से ऑलमोस्ट एक साल पहले एक वीडियो बनाया था भारत पे के ऊपर कि भारत पे क्या है, उसकी सारी जानकारी मैंने आपको उस वीडियो में दी थी। लेकिन कई सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा है, वन मोर वीडियो ऑन भारत पे कितना सुरक्षित है, उसका इंटरेस्ट अकाउंट कितना सुरक्षित है, क्या हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें उसे डाउनलोड करना चाहिए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। आज आप ये पूरी वीडियो देख लीजिए, आपको मैं गारंटी देता हूं आपको इसके अलावा कोई इसके बाद वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको प्योरली बता दूंगा कि भारत पे कितना सुरक्षित है, उसका 12% इंटरेस्ट अकाउंट कितना सुरक्षित है। और हां, उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं यहां पे आपको कोई बेसिक जानकारी नहीं दूंगा, भारत पे कौन सी कंपनी है, कहां की है, इंडियन है, कहां की है, सारी जानकारी मैं पहली वीडियो में दे चुका हूं, जाकर आप देख लीजिए वो वीडियो। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं क्या भारत पे सुरक्षित है या नहीं। शायद अगर आपने भी भारत पे इसीलिए यूज करना शुरू किया है कि हम उसमें 12% इंटरेस्ट ले लेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, भारत पे ही कह रहा है। अगर आप जो भी अमाउंट भारत पे में रखते हैं या फिर जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी भारत पे गारंटी नहीं लेता है कि हम उसे वापस करेंगे। ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट आ गई भाई कि जो हम प्रिंसिपल अमाउंट लगा रहे हैं हमें वही वापस नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं लेटेस्ट ऐप में, आप अपडेट कर लीजिए भारत पे को अगर आपके पास है, और मैं आपको वहां पे बताता हूँ कहाँ पे इन्होंने बिल्कुल चुपके से टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिख दिया है और आपको बेवकूफ बना रहे हैं। चलिए चलते हैं। तो जैसा कि आप अपने भारत पे ऐप में जाएंगे और वहां पर एक सेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपको मैंने दिखा रहा हूँ, इस सेक्शन में जाकर आप जाएंगे तो नीचे आप स्क्रोल करेंगे तो वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी आपकी, और वहां पे देखिए जैसे ही आप वो टर्म्स एंड कंडीशन खोलेंगे तो वहां पे आप देखिए पैराग्राफ मिलेंगे 5 हाइलाइटेड ब्लैक कलर में लिखे हुए। तो मैं आपको सिंपली से यहां पढ़ के बता देता हूं, RIPL और भारत पे इज नॉट अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और अ इन्वेस्टिंग एडवर्टाइजर और सेलर प्रोवाइडर ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। ये क्या कह रहे हैं, ये कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, ये कोई सेलर प्रोवाइडर नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं है। यहां पे इन्होंने साफ साफ बोल के रखा है RIPL और भारत पे डज नॉट गारंटी द इन्वेस्टमेंट और एनी रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट थ्रू द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट। थ्रू द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, जो भी आप इस भारत पे में अपना पैसा दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हमें 12% मिल जाएगा, तो भाई साफ साफ यहां पे लिखा है, मैं आपको डिस्प्ले करके दिखा दूंगा, हिंदी में भी दिखा दूंगा, आप गूगल ट्रांसलेट खुद भी कर सकते हैं। और आपको यहां पर कोई गारंटी नहीं ली जाती है कि आपका जो भी आप पैसा लगा रहे हैं वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। देखिए भाई, आप कोई भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं स्टॉक मार्केट में जाकर, तो वहां पर एक चांसेस रहते हैं कि भाई कंपनी कभी तो बड़ी होगी या फिर बड़ी नहीं होगी, लॉस होगा, तो जो भी हमारा अमाउंट होगा वो लॉस में अपन को वापस मिल जाएगा कुछ कट पिट के। लेकिन यहां पर खुद भारत पे ऐसा कह रहा है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं देने वाले हैं। और अगली देखते हैं, एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय यू इन एनी ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट इज एट योर ओन रिस्क एंड RIPL डज नॉट एज्यूम और इनक्योर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी ऑफ एनी लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन एनी रिटर्न। मतलब ये कहना चाह रहा है भारत पे जब भी ऐसा कुछ होता है आपके पैसे डूब जाएंगे, लेकिन आपको वहां पे तो बताया जा रहा है कि साल का आपको 12% ब्याज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने साफ साफ बोल के रखा है हम कोई भी लायबिलिटीज अपनी नहीं बेचेंगे, या फिर कह सकते हैं कंपनी जब भी डूबेगी जो भी प्रोडक्ट होंगे उनके पास वो बेच के पैसा आता है ना, तो वो नहीं बेचने वाले, वो इसमें से एक भी हिस्सेदारी आपको नहीं देंगे, साफ साफ लिखा है देखिए। और कोई भी लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत पे नहीं उठाता है। आप लोग कुछ भी यार मतलब ऐप डाउनलोड करके अलाउ टर्म्स एंड कंडीशन सबको देते रहते हैं, और आपने देखा है भारत पे आपके कॉन्टैक्ट्स भी यूज करता है, क्यों यूज करता है भाई, क्या जरूरत है? मैं बता दूं, रियली टेक्स्ट मैसेज भेजने के लिए आपको इंस्टेंटली 10 लाख रुपए का लोन अमाउंट मिल जाएगा, आप जाइए, इसलिए वो कॉन्टैक्ट यूज करता है। तो ध्यान रखिए, आपको ऐसे ही किसी भी ऐप में, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप में अपने पूरे अलाउ नहीं करना है भाई, उसे पढ़ लेना है। देखिए ये तो सिर्फ मैं आपको हाइलाइटेड चीज़ें बता रहा हूँ, इनकी टर्म्स एंड कंडीशन कम से कम 10 से 12 पेजों की आप पढ़ेंगे, डीपली आप पढ़ेंगे तो आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। अगली चीज़ है वो आप देखिए, द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आर ऑफर्ड डायरेक्टली बाय RBI रजिस्टर्ड, द इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आर ऑफर्ड डायरेक्टली बाय RBI रजिस्टर्ड NBFC बैंक ऑन देयर ओन टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन भारत पे। बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन भारत पे प्लीज रीड देयर पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन। तो आप ये ध्यान रखिए, ये सारी चीजें आपको देखनी है। मान लीजिए ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है भाई जिसमें हम अपना प्रिंसिपल अमाउंट लगा रहे हैं, हमें वही रिटर्न होने की वापसी नहीं मिल रही है, तो आप लोग ये पूछेंगे ये तो भारत पे की बुराई कर रहा है। देखो भाई, मैं भारत पे की बुराई नहीं कर रहा हूं, जब खुद कंपनी अपने ऐप में ये शो कर रही है कि हम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आप वहां क्यों पैसा ही लगा दोगे? तो मेरे ख्याल से तो आपको भारत पे में पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अब आप लोग पूछेंगे हमें भारत पे कब यूज करना चाहिए, तो देखिए अगर आपकी कोई शॉप है, आप एक मर्चेंट है, तो आप कई सारे
QR कोड रखते हैं या फिर गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, अदर अदर QR कोड रखते हैं, तो उन सबको एक QR कोड में कन्वर्ट कर दिया भारत पे ने, बहुत अच्छी बात है। ये वन QR कोड इन ऑल नेशन, ये एक बहुत अच्छी बात है, और इसके थ्रू आपका क्या होगा, झंझट नहीं होगी कई सारे QR कोड की। तो आप एक QR कोड रखकर इनका ओनली पोर्टल यूज कर सकते हैं, ऐप का, जो कि डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसे भेज देता है। और हाँ, एक चीज बता दूं आपको, कभी भी भारत पे गारंटी नहीं देता है कि आपको 12% रिटर्न मिल ही जाएगा, वो फ्लक्चुएट भी होता रहेगा। आपको टीवी पर एड दिखाया जा रहा है ना कि 12% मिलेगा, ऐसा नहीं है भाई। अगर आप इस ऐप में इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं, उन्होंने साफ साफ बोल के रखा है, इट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, इट इज नॉट अ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो इसके लिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्किल डेवलप कीजिए और तब इन्वेस्टमेंट स्किल आ जाएंगी। तो 12% कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है भाई ईयर के लिए। आप कोई भी अच्छी मिड कैप नहीं तो लार्ज कैप कंपनी का ही शेयर उठा देंगे और एक साल में रख देंगे, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, KEI इंडस्ट्रीज लास्ट वन ईयर में उसने हमें कम से कम ये मान के चलिए 40-55% का रिटर्न दिया है। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन फॉर यू। तो बस यही था पूरी जानकारी भारत पे के बारे में, कि भारत पे क्या है, ये सुरक्षित है कि नहीं, इसकी सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।